इस ऑडियो क्लब में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा को सिंपल सरल आसान भाषा में समझेंगे, सीखेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा किंगडम में सभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोट को रखा जाता है, लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम की बाउंड्रीज ठीक तरह से डिफाइन नहीं हो पाई हैं। इस बुक में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, इग्निलोइड्स, स्लिम मोल्ड व प्रोटोजोन को प्रोटिस्टा में रखा गया है। प्रोटिस्टा के मेंबर मेनली एक्वेटिक होते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ लिंक बनाता है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट होने के कारण प्रोटिस्टा की सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तथा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजेला या सीलिया होते हैं। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। सेल फ्यूजन तथा जैगोट फॉर्मेशन द्वारा प्रोटिस्टा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 2.2.1 क्राइसोफाइट की। क्राइसोफाइट में डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेसमेट्स आते हैं। क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर तथा मरीन एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट माइक्रोस्कोपिक होते हैं तथा वाटर करंट में पैसिवली तैरते रहते हैं। इन्हीं को हम प्लांकटोन बोलते हैं। मोस्टली क्राइसोफाइट फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाई एटम्स में सेल वॉल दो थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है। ये थिन ओवरलैपिंग सेल आपस में सॉफ्ट पॉक्स साबुनदानी की तरह फिट होते हैं। डाई एटम्स की सेल वॉल में सिलिका होती है, जिस कारण डाई एटम्स की वॉल नष्ट नहीं होती है। इस कारण डेड डाई एटम अपने हैबिटेट में सेल वॉल की डिपोजिट ज़्यादा मात्रा में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में डाई एटम की सेल वॉल के डिपोजिशन से डाई एटमियस अर्ध का फॉर्मेशन होता है। कड़ में गिल्टी होने के कारण यह अर्ध पॉलिशिंग में तथा ऑयल व सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज होती है। डाई एटम्स समुद्र के चीप प्रोड्यूसर होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 2.2.2 डायनोफ्लैजेलेट्स की। डायनोफ्लैजेलेट मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायनोफ्लैजेलेट में प्रेजेंट मेन पिगमेंट की वजह से ये लाल, पीले, हरे, नीले, ब्राउन दिखाई देते हैं। डायनोफ्लैजेलेट की सेल वॉल की बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। ज़्यादातर डायनोफ्लैजेलेट में दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल तथा दूसरा ट्रांसवर्स। ये फ्लैजेला बॉल प्लेट के बीच फरो बोलें तो खांच में लगे रहते हैं। जनरली रेड डायनोफ्लैजेलेट बोलें तो गोनियाओ लेक्स में बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे समुद्र लाल सा दिखता है। इसे रेड टाइड्स बोलते हैं। रेड डायनोफ्लैजेलेट बोलें तो गोनियाओ लेक्स की अधिक संख्या से टॉक्सिन बोलें तो जहर निकलते हैं। ये टॉक्सिन दूसरे मरीन एनिमल जैसे फिशेज को मार सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 2.2.3 इग्निलोइड्स की। इग्निलोइड्स ज़्यादातर फ्रेश तथा स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। सेल वॉल की जगह इग्निलोइड्स में एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसे पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इग्निलोइड्स में दो फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा व एक लंबा। इग्निलोइड्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब सनलाइट नहीं होती है तो इग्निलोइड हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। इग्निलोइड्स में हायर प्लांट की तरह पिगमेंट होता है, एग्जाम्पल है इग्लिना। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 2.2.4 स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। स्लाइम मोल्ड की बॉडी डिकेइंग ट्विस्ट, सड़ी हुई टैनी बा लीव्स के साथ मूव करती है तथा ऑर्गेनिक मटेरियल को निगलती रहती है, बोले तो इनगल्फ करती रहती है। स्वेटेबल कंडीशन आने पर स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो प्लाज्मोडियम कई फीट तक ग्रो कर सकता है या फैल सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन आने पर प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर होते हैं। इन स्पोर में ट्रू बॉल होती है, जिसमें अत्यधिक रेजिस्टेंस क्षमता होती है। ये स्पोर कई सालों तक एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्पोर एयर करंट द्वारा डिस्पर्स होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 2.2.5 प्रोटोजोअन्स की। प्रोटोजोअन्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, बोलें तो प्रीडेटर या पैरासाइट। प्रोटोजोअन एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव हैं। प्रोटोजोअन को चार प्रमुख ग्रुप होते हैं, एग्जाम्पल अमीबोइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड स्पोरोजोअन्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं अमीबोइड प्रोटोजोअन्स की। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स अपने सीडोपोडिया बोलें तो फॉल्स फीट की सहायता से मूव करते हैं और अपने प्रे को पकड़ते हैं, एग्जाम्पल है अमीबा। जो अमीबोइड प्रोटोजोअन्स मरीन होते हैं, मरीन अमीबोइड प्रोटोजोअन की सरफेस पर सिलिका सेल होती है। कुछ प्रोटोजोअन्स पैरासाइट होते हैं, एग्जाम्पल एंट अमीबा। एंट अमीबा एक पैरासिटिक अमीबोइड प्रोटोजोआ है। अभी हम बात करने जा रहे हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स की।
फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन्स फ्री लिविंग या पैरासाइट होते हैं। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन्स में फ्लैजला होते हैं। पैरासिटिक फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन बीमारी के कारण हैं जिनमें स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स की। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक होते हैं तथा सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स की बॉडी पर हजारों सीलिया पाए जाते हैं जिन सीलिया के कारण सीलिएटेड प्रोटोजोआ एक्टिवली मूव करते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोअन में एक कैविटी गलेट होती है। ये कैविटी गलेट सेल सरफेस के बाहर की ओर खुलती है। सीलिया के कोऑर्डिनेट मूवमेंट द्वारा वाटर फूड के साथ गलेट बोलें तो कैविटी में एंटर करता है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अभी हम बात करने जा रहे हैं स्पोरोजोअन्स की। स्पोरोजोअन्स वो ऑर्गेनिज्म आते हैं। स्पोरोजोअन्स की लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। स्पोरोजोअन्स में सबसे नोटोरियस प्लाज्मोडियम बोलें तो मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट अघात प्रभाव पड़ा है। आसान भाषा में बायोलॉजी इस ऑडियो क्लब में हम बात करने जा रहे हैं।